दीपावली के मजे लेते हुए। की रिपोर्ट है ना? हाँ भाई, तो फंस गया, मैच करना पड़ता है। कस के मार। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज गणतंत्र दिवस 15 अगस्त, जो कि मेरा फेवरेट त्यौहार बोल सकते हो। तो गाइस, अभी मैं उठाऊँ, छुट्टी थी आज तो मेरे काम की, तो आज उठाऊँ देखो 11:30 बजे, नहीं 12:30 बजे। तो गाइस, अभी हम खाना खाएंगे और जाएंगे अपने दोनों, मेरे दोस्त की छत तो ऊँची है, मेरी तो छोटी है, अपने दोस्त के घर पर जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे, फुल मजे लेंगे, आपको दिखाएंगे जो भी दर्शक होगा सीन, यही सब कुछ है। तो खाना खाने के बाद मैं जाता हूँ सीधा अपने दोस्त की छत पे, दिखाता हूँ आपकी उसकी छत कैसी है, बड़ी है, और वहाँ पे पतंग उड़ाएंगे। तो आ गाइस, सी यू, मिलते हैं सीधा दोस्त की छत पे, बाय। ये सब पन आ चुके हैं अपने दोस्त राजेश के घर पे, दिखाते हैं आपको उसकी छत का व्यू, ऊपर से मिलवाते हैं उससे। मैं फोन क्यों कर रहा हूँ भाई? आना और आंटी, तबीयत खराब है क्या आपकी? इतने देर से आ लिया तो मेरे को लगा नहीं आ रहा है। यार आ गया, मैगी वैगी खा रहा था। चल भाई, इंट्रोडक्शन तो दे दे अपना। हेलो भाई, हम सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। सुबह कितने बजे? 7 बजे से ना, पहले 6 बजे से ही है, 7 बजे से मैं और अभी तक ऐसे घूम रहा हूँ। आज मैंने मूवमेंट धोया है, पतंग उड़ाई है। मेरे को पता है, 2015 अगस्त में ऐसे ही रहता है बिना कपड़ों के। चल चल, ले 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 ले, अबे लड़ा भाई, तूने बहुत ज्यादा आगे रख गया, ढील देने होगी। अबे नीचे आने ना, छोड़ दो उसे, नीचे घूमने घूम नीचे आ जाएगी। अबे तू तो ऊपर कर रहा है, अबे ऊपर जा रही, नीचे आने से देखा, गोल अपने नीचे चले गोल घूमने, बस ढील मत दे, बस पकड़ के रख, नीचे गोल घूम के पहुंच जाएगी अपने आप ही। ये कहां भगा दी इसने, पहुंचा गई, पहुंच गई, ले ले नीचे, अबे नीचे ले, डाल ऊपर से, देखो डाल को तो नीचे लेके रहता है। लड़ गई लग रहा, लड़ गई तो लग रहा, वो भी कर दे तेरी, वो खींचन तानी हो चुके इधर, खींचन तानी, खींचन तानी खींच रहे भाई हमारे, बड़ी ले ली। वो वीडियो रुक गई थी वाली, इनके काट के बहुत चिल्लाना है, चिल्लाना है तेरे को, वीडियो रेडी रख। गाइस पीछे होने वाले, बस हो ही गए, अभी नहीं हुए। ओए ओए ओए
वो भी जाने। ओए पटकी 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 बो गाइस, हमने टूटी फूटी पतंग बो कर दी है पटरे के साथ भी, कोई टक्कर नहीं दिया भाई। देख पेचे लेने जा रहा हूँ मैं। जब भी धूप कम होगी तो उसके बाद पतंग उड़ाएंगे। फिलहाल तो हम खेल रहे हैं कैंडी क्रश। भाई क्या बोलने, दोनों भाई खेल रहे हैं कैंडी क्रश। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो ओके, तो गाइस मौसम ठीक हो चुका है और दोबारा अपन पतंग उड़ाने जा रहे हैं और दिन के बज रहे 4:30। देखो मौसम दिखाता हूँ तो कैसा हुआ। चलो गाइस करने उन्ने बांधने फुल तैयारी। चलो उड़ेगी ना अब। देखो गाइस मौसम, हेलो गाइस 15 अगस्त फुल मजे आ रहे हैं। सबसे टॉप पे चढ़ा हूँ मैं गाइस अपनी छत पे। देखो नज़ारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ से कितना मौसम नज़ारा लग रहा है। पतंग ज़्यादा नहीं दिखेगी। पहले यहाँ से उड़ा रहा था मैं, अब देखो यहाँ से उड़ा रहा हूँ ऊपर। 15 अगस्त पे दीपावली के मजे लेते हो। अबे भर तो उसमें हाँ, ज्यादा मन ले तो रोड फट जाएंगे। हाँ बस और कम कर, इसी के अंदर में भरना। यहाँ पे नहीं गिरेगा उधर, इसमें गिरेगा इतना। हाँ इसमें यहाँ पर लाकर भरना, गिरेगा बाहर यार क्या फायदा। इतना से तो टंकी फट जाएगी ना। कस के मार, कस के दे। ओ गाइस बारिश बहुत तेज आ गई है। तो गाइस बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बज चुके हैं रात शाम के 6:30 और हम पतंग उड़ाने स्टार्ट करेंगे। देखो दिखाता हूँ आपको मौसम। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30। देखो गिर नज़ारा, सब पतंगे उड़ना बंद हो गई, हवा कम हो गई, हवा चलने लगी ना दोबारा। अभी हवा बहुत कम हो गई थी, पतंग उड़ना बहुत बंद हो गई थी। तो गाइस अपना ब्लॉग यहाँ पे खत्म हो चुका, मतलब अपना दिनचर्या खत्म हो चुका है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोबारा जिन उन भाइयों को
जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ गाइस, मैंने ना आज बहुत मस्ती की, बहुत मजे लिए। दोस्त के घर पे था, जैसे कि आपने देखा था, उसके घर पे इसलिए गया गाइस क्योंकि ना उसका टॉप छत ना बहुत ऊंची है, आसपास के घरों से बहुत ऊंची है, वहाँ से पतंग उड़ाने में बहुत तेज़ी रहता है। वहाँ पे उसी के घर पे गया था, फुल मजे लिए, दबा के मजे लिए, उड़ाई पतंग, फिर बारिश आ गई शाम को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक गए। पर ना गाइस मज़ा बहुत आया गाइस, इतना मज़ा आया ना कि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग करना भूल गया मजे के चक्कर में। मेरे को तो स्टार्टिंग से ही पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। दोपहरी पतंग उड़ाई है, लूटी है, लूटता है, लूटने का भी बहुत शौक है मेरे को। पतंग लूट बचपन में बहुत लूटता था, खरीदता तो था ही नहीं, लूटता था, लूट के उड़ाता था। तो गाइस कुल मिला के ये बहुत मज़ा आया, हैप्पी इंडिपेंडेंस। और हाँ गाइस, इंडिपेंडेंस डे का मतलब मेरी भाषा में ऐसा है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, कोई भी काम हो। यही नहीं होता खाली तिरंगा लेके एक दिन, साल के एक दिन तिरंगा लेके अपनी बाइक पे बांध के इधर उधर घूमना, खाली यही नहीं होता। असली मायने में मतलब होता है कि अपना काम ईमानदारी से करो, जो भी काम कर रहे हो, बस चाहे आप सरकारी पोस्ट पे चाहे प्राइवेट पोस्ट पे, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छी नीयत से करो बस, जो कि मैं करता रहूँगा और करता हूँ, और अगर किसी बड़े लेवल पे भी चला गया तब भी करता रहूँगा। तो हाँ गाइस, तो यही था ब्लॉग में, ज़्यादा कुछ खास नहीं था गाइस। और मैं पीछे ब्लॉग में देख रहा हूँ अपने, तो गाइस ना थोड़ा सा ना मतलब लोग कम देख रहे हैं ब्लॉग, मेरे को पता है बहुत बड़ी गलती, मतलब मैंने ब्लॉग में करी, मैं ब्लॉग बहुत बड़े बड़े डाल रहा हूँ और मतलब लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा मेरा गाइस। ब्लॉग बनाने का यही रीज़न रहता है हमेशा से और रहा है और रहेगा, लोगों को दिल को छूना चाहिए मेरा ब्लॉग, बस मैं यही ट्राई करता हूँ लोगों को दिल को छूए मेरा ब्लॉग, बस लोगों को पसंद आए। हर एक जो बंदा मेरा ब्लॉग पूरा देखे वो बोले कि हाँ भाई अच्छा लगा इसका ब्लॉग, और उसके दिल को टच करना चाहिए बस। तो हाँ गाइस, यही था आज का ब्लॉग, इतना कुछ खास नहीं था, शॉर्ट भी ज़्यादा नहीं ले पाया। तो गाइस अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई जो नया बंदा है वो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं देख रहा हूँ लोग आते हैं देखते हैं मेरा ब्लॉग, सब्सक्राइब नहीं करते यार, भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, क्या दुश्मन है, कर दिया करो ना यार, तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है यार, कर दिया करो भाई सब्सक्राइब, अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो समझ में आते हैं कि हाँ भाई सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, फिर और जो अच्छी चीज़ जगह जाने का मन करता है। तो हाँ गाइस, इतने दिनों से इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सपोर्ट अच्छा नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, वो होना नहीं चाहिए मेरा टारगेट, वैसे टारगेट तो ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ भाई बनाते रहो तुम, फिर भी यार होता है कि हाँ भाई जनता का सपोर्ट बहुत कुछ होता है भाई, बहुत मायने करता है। तो गाइस आगे से ना कोई घूमने, कहीं घूमने जाऊँगा, उसका ब्लॉग बनाऊंगा फैमिली के साथ, मैंने प्लान किया है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना यार। बाकी यही था गाइस, और कुछ नहीं था खास ब्लॉग में, यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद दिल से, मिलते सीधा अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड हैप्पी 15 अगस्त, और सॉरी जो इस ब्लॉग में गलती हुई माफ़ कर देना।